पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो रेनफॉल का वाइड स्प्रेड रहा है, लगभग कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे मलकानगिरी कोरापुट जाजपुर को छोड़ के बाकी सब जगह पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। उसके अलावा जो बोलांगीर कटक और केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हेल गिरने की भी जो हमें ऑब्जर्वेशन में आया है, रिपोर्ट किया गया है। जो सबसे अधिक वर्षा जो है गंडकी गोपालपुर में 45.1 मिलीमीटर दर्ज हुई है। अगर बात करें हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर तो भुवनेश्वर का 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और कटक का 32.6 डिग्री सेल्सियस मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अब बात करें सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की, तो जो सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम उड़ीसा के पास जो हमारा ट्रफ और विंड डिसकंटिन्यूटी लाइन है जो कि साउथ श्रीलंका से नॉर्थ मध्य प्रदेश की तरफ रन कर वो इंटीरियर तमिलनाडु से भी साउथ छत्तीसगढ़ की तरफ, तो हमारे छत्तीसगढ़ के पास में ट्रफ लाइन की वजह से यहाँ पर जो आप क्लाउड्स देख रहे हैं वो एक सिस्टम है, जिसकी वजह से जो हमारे 5 दिन के वेदर जो इस प्रकार से रहेगा। तो ये आप जो मयूरभंज बलासोर भद्रक जाजपुर कटक देनकरा केवंझर और जो साउथ उड़ीसा में ये जो आप कंधमा गंजम गजपति रायगढ़ कलांग नवरंगपुर कोरापुट मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और बाकी उड़ीसा में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है आज यानी 22 तारीख को। इसी प्रकार आज 23 तारीख को कुछ जगह पर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक दो स्थान पर हो सकती है, उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है जिनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है मयूरभंज केवंझर कंधमा गंजम गजपति रायगढ़ कालांडी नवरंगपुर कोरापुट। डे 2 यानी 23 तारीख को कल सुंदरगढ़ केवंझर मयूरभंज बालासोर कोरापुट मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार 24 तारीख को भी बारगढ़ नुआपाड़ा नवरंगपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे 4 यानी 25 तारीख को नवरंगपुर नुआपाड़ा बुलांगीर बारगढ़ जारसपुरा सुंदरगढ़ और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे 5 में WD के प्रभाव का 26 तारीख को फिर से उड़ीसा में बात करें नॉर्थ उड़ीसा और उसके साथ नॉर्थ उड़ीसा में बोल सोनपुर बोलांगीर नुआपाड़ा को जोड़े तो वहां पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और बाकी जो साउथ उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं वहां पर एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम टेम्परेचर में अगले 3 दिन तक ग्रेजुअली धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक राइज होने की संभावना है, ग्रेजुअल राइज होने की संभावना है, उसके बाद ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकेगा। गंजम समाचार आपणकर लेटेस्ट खबर पई लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु गंजम समाचार रो फेसबुक यूट्यूब ट्विटर पेज को। अधिक तथ्य पई विजिट करंतु आम वेबसाइट www.ganjamsamachar.com। Yeah.